वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संभल जाएं, देर नहीं हुई है, अभी से ही एक नई शुरुआत करें। इट इज नॉट टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कुछ रूल्स, कुछ नियम को जो हमारे लाइफ को एक नई दिशा, एक नई मार्गदर्शन देगी। सम रूल्स टू डू वेल इन एग्जाम, फॉलो इट यू विल गेट द रिजल्ट। आपके इस वीडियो में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं एग्जाम के में अच्छे करने के लिए। आपको इसे फॉलो करना है, आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगी। इसके अंतर्गत हमारा आज का सेशन स्टार्ट होता है और इसमें पहला है, फर्स्ट रूल है रेगुलर स्टडी, नियमित पढ़ाई करना। नियमित पढ़ाई करने का मतलब ये है, इससे हमारा ये तात्पर्य है कि ये एकदम सीधी बात है, जैसा हम अपने काम को डेली वेज पर रोज करते हैं, जैसे सूरज अपने समय पर निकलता है और अपने समय पे रोज क्या होता है, अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी स्टडी को क्या करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट डेली न पढ़ते हुए भी जब एग्जाम नज़दीक आता है तो वे रात दिन पढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा हमारे हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। सेकेंड रूल है हमारा, डेली क्लास अटेंड, अटेंड डेली क्लासेस। वो आपकी क्लासेस इंस्टीट्यूट की हो, स्कूल की हो, कोचिंग्स की हो, आप जहां भी पढ़ते हैं वो क्लास रेगुलर अटेंड होनी चाहिए। डेली आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए आपकी क्लास में और रेगुलर बेसिस पे आपको अपने क्लास पे अटेंड होना है। पढ़ाई का मूल मंत्र है जो स्कूल जाना और स्कूल में अपने अपने सभी सब्जेक्ट के क्लास में उपस्थित होकर अध्ययन करना, अपने इंस्टीट्यूट जाना, अपने इंस्टीट्यूट के सभी क्लास को अटेंड करना और अध्ययन करना, स्टडी करना। क्योंकि आजकल विद्यार्थी में सबसे बड़ी यही कमी देखी जाती है कि वे रेगुलर स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग नहीं जाते हैं, और यदि जाते भी हैं तो अपने सारे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से अपने आप को धोखा देने के बराबर हैं। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अभी तो ऐसा लगता है कि मैंने बंक किया, टीचर को बेवकूफ़ बनाया, अपने गार्जियन को झूठ बोला, तो ये उनकी कुछ भी बिगड़ने वाली नहीं है, ये अपने आप को धोखा देने की बराबर है। और अक्सर विद्यार्थी यही सोचते हैं कि चलो जो आज हमारा छूटा है मैं कल कर लूँगा, कल कभी होता नहीं है, वो कल आपके आज में परिवर्तित होते चला जाता है और कल का मौका मिल नहीं पाता है। तो हमें अपनी क्लास को बंक नहीं करना है, अपने क्लास को रेगुलर करना है। इससे क्या होगी, तो आपकी रेगुलर पढ़ाई चलती रहेगी। पढ़ाई का मूल मंत्र है। लेकिन यदि हम क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसे घर आकर दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से समझते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, ट्यूशन में समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो पढ़े हुए सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने में, रिवीजन करने से क्या होती है, तो आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि एक सच्चाई है कि जिस चीज़ों को आप समझते हैं उसमें इंटरेस्ट भी होती है, जिसे आप नहीं समझते हैं आपकी इंटरेस्ट जागृति उसके प्रति नहीं जाती है, क्योंकि आप जिस चीज़ को समझेंगे उसके प्रति ही आपके इंटरेस्ट जगेंगे और जल्द से जल्द आप इसे भूलेंगे भी नहीं। इसलिए एग्जाम में अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है, अपने कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कुछ पाना है,
आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो आपने क्लास को रेगुलर अटेंड करें और अध्ययन करें, यह बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। अब आते हैं थर्ड रूल की ओर, टू सेट द टाइम टेबल फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए समय सारणी बनाएं, क्योंकि हर चीजों की समय होती है, हर चीज का समय होता है। जैसे समय पर खाना का खाना, समय पर स्कूल जाना, समय पर इंस्टीट्यूट जाना, समय पर कोचिंग जाना, समय पर एग्जाम का होना, समय पर नई क्लास में एडमिशन का होना, समय पर सूरज का निकलना और समय पर सूरज का अस्त होना, यानी दुनिया का हर काम के लिए एक समय फिक्स होता है। तो हमें अपने पढ़ाई के लिए भी क्या करनी चाहिए, तो एक समय सारणी टाइम टेबल सेट करना ही चाहिए। टाइम टेबल सेट करने से क्या होता है, अब आपके माइंड में चलता है, बहुत सारे लोग तो डेली अपने रूटीन बनाते हैं, डेली चेंज कर, आज ये कर लूँगा कल ये, तो ऐसा कभी आता नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली इसे फॉलो भी करना होगा, केवल बनाना ही नहीं होगा, नहीं तो आपके पूरे वॉल पे आपके टाइम टेबल ही सटे मिलेंगे। इसे फॉलो भी करना है, रूटीन एक ही बनाएं और इसकी स्ट्रिक्टली से फॉलो करें। टाइम टेबल सेट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर हों तो उसे स्टडी के लिए ज़्यादा वक्त देना होगा, फिर साथ में हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने का समय दें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ एक ही विषय पे पूरा बल जोर लगा दिए हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, और तो इससे होता क्या है, बाकी अन्य सब्जेक्ट अन्य विषय आपके पीछे रह जाते हैं। ऐसा कदापि ना करें, कभी ना करें, इससे आपको एग्जाम में सहूलियत ना होकर आपकी नुकसान होगी। और हमें अपने टाइम टेबल में स्टडी के साथ साथ लिखने के लिए भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर के सामने हमारे लिखे हुए ही सॉल्व क्वेश्चन ही जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ हम पढ़ते हों उसे पढ़ने के साथ साथ लिखते रहना चाहिए, क्योंकि लिखने से कोई भी चीज़ माइंड में सेट हो जाती है और हमारा लिखावट भी सुंदर हो जाती है, जो कि एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। रूल फोर्थ आपका है, केयर विथ योर हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। यदि हम जो भी कुछ पढ़ते हों वो हमारे समझ में जल्दी आ जाए और उसे हम जल्दी से जल्द याद कर लें, तो इसके लिए क्या रखना होगा, तो हमें अपने हमारे शरीर को स्वस्थ और अच्छा रखना होगा। यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जल्द से जल्द हमारे समझ में आने के साथ साथ याद भी होंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। ब्रिलियंट माइंड ऑलवेज लीव्स इन हेल्दी बॉडी। इसलिए हमें अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए समय निकाल लें, सुबह में वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन करें डेली बेसिस पे, आपको ये फॉलो करना होगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है, जिससे वो क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है। वो बातें हम आगे अपने क्लासेस में करेंगे। धन्यवाद। अब आपका आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी डिस्कशन ऑलवेज, अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना, ये आपका पांचवा रूल है। जब हम कुछ भी पढ़ते या हमारी जानकारी पूरी तरह से सही है या हमारे द्वारा पढ़ी गए सब्जेक्ट में हम कुछ
भूल रहे हों। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में स्टडी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अगर जो चीज़ें नहीं मालूम रहेगी, शायद हमारे क्लासमेट्स, हमारे फ्रेंड्स जानते हों, तो डिस्कस करते हुए हमें भी पता चल जाएगा, जिससे कि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते रहना चाहिए। इससे आपका एक ग्रुप डिस्कशन की एबिलिटी भी बढ़ेगी, कहीं बैठ के कैसे बात किया जाता है, आपकी एक फ्रिक्वेंसी भी डेवलप होगी। तो ये आदत भी आप डालें, ग्रुप स्टडी डिस्कशन भी करें। अब आता है आपका सिक्स्थ रूल, छठवां नियम, एग्जाम स्ट्रेस। इस चीज़ों से सभी को पता है, सभी परिचित हैं, एग्जाम स्ट्रेस से सभी परिचित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तनाव या टेंशन में किया गया कोई भी काम अक्सर खराब हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने एग्जाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। टेंशन मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए। बल्कि हमें तो अपना सारा ध्यान सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने पर फोकस करना चाहिए, और नियमित अध्ययन करने से तो हमारे सभी सब्जेक्ट टाइम पर तैयार हो जाएंगे, और फिर भी हम अपने एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि तनाव लेने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आप फोकस पढ़ाई पर ना देके अपने टेंशन पे मेरे एग्जाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है तनाव मुक्त रहें, तनाव नहीं लें, और अपने अध्ययन सामग्री के पीछे फोकस करें, अपने बुक्स पे फोकस करें, अपने मटेरियल्स पे फोकस करें, और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। स्ट्रेस ना लें, तनाव मुक्त रहें। सेवेंथ रूल, सातवां नियम, टू अर्ली मॉर्निंग स्टडी और वेक अप अर्ली मॉर्निंग। ये तो मूल मंत्र है, सभी को पता है, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। क्या? तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह वह वक्त होता है जब आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है, और अध्ययन के लिए एक शोरगुल रहित, हल्ला गुल्ला रहित। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से पढ़ी गई चीज़ें जल्द से जल्द याद हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके माइंड में किसी प्रकार की शोरगुल की आवाज़ की, हल्ला के लिए नहीं जाती है आवाज़। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और यह प्रश्न उठता है एक कि हमने तो देर रात तक पढ़ाई की है, तो सुबह जल्दी कैसे उठें? जैसी बात है, आप अगर 12 एक दो बजे तक पढ़ते रह रहे हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इसके लिए जब हम रात में अध्ययन करते हैं तो हमें देर रात तक पढ़ाई नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नींद पर फर्क पड़ता है। एक अच्छे बॉडी, स्वस्थ बॉडी को मिनिमम 6 to 7 आवर की रेस्ट, स्लीप, नींद चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें देर रात की अपेक्षा सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पे जोर डालना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एट्थ रूल, आठवां नियम क्या है, कंसंट्रेट ऑफ माइंड विथ अटेंशन। अध्ययन करने से पहले क्या करनी चाहिए, तो ध्यान एकत्रित करना चाहिए, ध्यान को एकत्रित एक ही जगह पे, क्योंकि ये चंचल होता है, भागता है इधर उधर, है ना। तो आजकल हम सबके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम बिना टीवी, मोबाइल फोन्स, फेसबुक या व्हाट्सएप के
के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्टडी पर भी असर डालता है, डालता ही है। अक्सर देखा जाता है बहुत से लोग पढ़ते हुए उनका ध्यान कहाँ है, तो टीवी पे है, मोबाइल फोन पे है, व्हाट्सएप पे है, अन्य जगहों पे होता है, जिससे कि हमारा ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में ना होकर इधर उधर भटकता है, जिससे कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे या तो समझ नहीं पाते हैं या उसे जल्द से भूल जाते हैं। जितने तेजी से पढ़ते हैं उतने तेजी से भूलते भी हैं। इसलिए हम जब भी अपनी पढ़ाई करें, हमारा सारा ध्यान हमारे बुक्स पर होनी चाहिए, हमारे स्टडी मटेरियल्स पे होनी चाहिए, हमारे नोट्स पे होनी चाहिए, या हम जो भी पढ़ते हैं मेरे ध्यान उस पे होनी चाहिए। इस बात का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, करना होगा, करना ही होगा, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 9th रूल, 9वां नियम, सीनियर्स एडवाइस। अपने से बड़ों की सलाह तो लेनी ही चाहिए, गुड डिसीजन, गुड एडवाइस लेनी ही चाहिए। गुड एडवाइस आपको सहायता करेगी आपकी गुड डिसीजंस लेने में। किसी भी चीज़ों को पाने के लिए हमें उस दिशा में कार्य करने की बहुत ज़रूरी होती है। अगर इच्छा बड़ी है तो मेहनत भी आपको उसी लेवल की करनी होती है, करनी होगी। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो एकदम सही है, या क्या ऐसी बातों की समस्या के समाधान के लिए हमें अपने से बड़ों की सलाह हमेशा लेनी चाहिए, लेती रहनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम अपने स्टडी को लेकर तनाव की वजह से कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, या हमसे कोई कमी तो नहीं रह गई। इन सब बातों को अपने से बड़ों के साथ शेयर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अध्ययन के लिए एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति का गुड डिसीजन आपको अपने अंदर एक्सेप्ट करनी चाहिए। उनके बैड एडवाइस, बैड डिसीजन से आपको क्या मतलब, आप उनके गुड एडवाइस को लें, उनके गुड डिसीजन का फॉलो करें, समाधान आपकी समस्याओं का इससे मिलता है। आपका आज का लास्ट रूल, रूल 10th, या 10th रूल बोलिए, उल्टा हो गया टाइपिंग, कोई बात नहीं है। प्रिपेयर ऑल सब्जेक्ट फॉर एग्जाम। अपने पूरे विषय पर फोकस करना, अपने पूरे विषय की तैयारी करना, किसके लिए, तो एग्जाम के लिए। क्योंकि इस टाइम तक आप के जो कमजोर सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपके पैरेलल आते हैं, एक जैसे आते हैं। यहाँ आते आते आपके सभी सब्जेक्टों पे इक्वल समय देना चाहिए। एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, नियम है, क्योंकि हम अपने नए क्लास में प्रवेश करते हैं तो शुरू में सब्जेक्ट के लेसन तो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कुछ भी नया चीज़ आपको मिलता है तो लगता है आज ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया। लेकिन धीरे धीरे जब आपका समय बढ़ता चला जाता है तो आपकी रफ्तार घटती चली जाती है। तो अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों एग्जाम नज़दीक आते हैं हम अपने सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या कम समय के चलते वे लेसन छूट जाते हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे पूरे बुक्स से पूछे जाते हैं, न कि आप जितना पढ़े हैं उसके अंतर्गत। इसलिए ध्यान रखें कि एग्जाम में पूरे बुक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको टोटल लेसन टू लेसन पढ़नी है, और जिससे कि हमारी वे लेसन्स तैयार ना हो ने से एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, तो छूट जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूरे बुक्स की स्टडी पर ध्यान देनी चाहिए, ना कि सतही पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो अगर आप अपने लक्ष्य, अपने क्लास, अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें, ध्यान दें, इन नियमों पे जरूर ध्यान दें, तो सफलता निश्चित ही आपकी कदम चूमेंगी। 100% है आप इनका फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिलेगी। तो
आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सबको धन्यवाद। और यदि एग्जाम से रिलेटेड, अपने तैयारी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूँ। और हमारा इसी तरह से वीडियो आते रहेगा। अब सिलेबस का वीडियो इसके बाद आएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे जैसे आपका कमेंट्स आएगा आप लाइक करें, शेयर करें यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद।